नमस्कार दोस्तों, SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसरो ने हाल ही में 14 जुलाई 2021 को जो एग्ज़ाम लिया गया था वेरियस पोस्ट का, उसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप बता दें कि आप सभी ने जो इसरो VSSC का एग्ज़ाम दिया था 14 जुलाई को, उसकी आंसर शीट का जो आंसर की आने वाली है उसका आप वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो आंसर की कब तक आ सकती है, क्योंकि इसरो ने जो एडमिट कार्ड जारी किए थे उसमें इन सभी बातों का जिक्र किया था कि आंसर की कब तक आ सकती है, कब तक आप जो क्वेश्चन इसरो की तरफ से गलत किए गए हैं, जिन्हें आंसर की रॉन्ग मार्किंग की गई है, तो आप ऑब्जेक्शन कब तक क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, स्किल टेस्ट कब हो सकता है, इन सभी की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट हम डालते हैं यूट्यूब पर वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों, इसरो की तरफ से अभी तक फिलहाल जो है वो रिक्रूटमेंट सेक्शन पे एक ही अपडेट है, जो कि पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक था, जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसको देख सकते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी यहाँ पर डाउनलोड करने में फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एडमिट कार्ड की, ओके, एडमिट कार्ड में क्या लिखा गया है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम एडमिट कार्ड पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो रिज़ल्ट के बारे में बात की, रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है, आंसर की कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आफ्टर फ्यू डेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैन व्यू देयर इंडिविजुअल आंसर ऑनलाइन रेस्पॉन्स फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने कुछ दिनों बाद सभी कैंडिडेट्स अपने अपने इंडिविजुअल्स आंसर अपना स्कोर देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन चेक किए थे, क्या क्या सही आंसर है इसरो के द्वारा, बाय लॉगिंग इनटू ऑनलाइन पोर्टल विद देयर रजिस्टर क्रेडेंशियल्स, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है उसी के द्वारा आप अपना जो है आंसर की उसको देख सकेंगे, जो लॉगिन की थी जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वहाँ से आप उसको देख सकेंगे। और उसके बाद दोस्तों, इन केस ऑफ एनी क्यूरी ऑब्जेक्शन इन रेस्पॉन्स ऑफ एनी क्वेश्चन एंड आंसर इट इज़ टू बी सबमिटेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन रेस्पॉन्स की इन द पोर्टल विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद इन 3 डेज, यानी जब इसरो आंसर की जारी करेगा उसके 3 दिवस के अंदर आपको यदि किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो आप उसको रेज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्शन रिसीव विल बी री एग्जामिन्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर इट फाइनलाइजेशन, जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो इसरो को जो ऑब्जेक्शन मिलेगा उस पर री एग्जामिनिंग किया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा, और जो भी रेस्पॉन्स ऑब्जेक्शन क्यूरी रिकॉर्ड रिलेटेड टू क्वेश्चन और की रिसीव सो द एनी अदर मोड ऑफ द कम्युनिकेशन या चैनल विल नॉट टू बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सरकमस्टेंसेस, यानी यदि आप किसी अन्य माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को इसरो को भेजते हैं, यानी फ़ोन करके या मेल करके या पोस्ट के द्वारा, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड सच कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी राइट और एनी फ्यूचर लीगल क्लेम, मतलब इसके बाद यदि आप करते हैं तो उसके बाद आपको जो भी आपका क्लेम रहेगा उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रिवेल्युएशन एट लेटर स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रेस्पॉन्स लिंक शैल बी मैंशन अपलोड ऑन VSSC वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो VSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, और जैसा कि हमने आपको बताया था 14 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम हुआ था इसरो VSSC का। आज यहाँ पर दोस्तों 7 दिन पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पर दोस्तों 7 दिन के बाद लगभग यह है कि जल्द से जल्दी अब इसरो की तरफ से फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी इसरो के एग्ज़ाम होते हैं इसरो विद इन 10 to 15 डेज इसके अंदर ही दोस्तों आंसर की जारी कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट हम आपके लेकर आइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और यदि आपने भी इसरो VSSC का एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपने किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।